मुझे लगा आज हम एकदम फंडामेंटल बेस आधारभूत की बात करें, रिलेटिंग के माध्यम से ही। इस पूरे जीवन में हमारा आधारभूत क्या है? क्या है मेरे जीवन का फाउंडेशन? कौन है मेरे जीवन का फाउंडेशन? आज मैं आपसे कुछ प्रश्न करता रहूँगा बीच में इस तरह से, जिसका आंसर, जिसका उत्तर आप स्वयं को दीजिए। क्या है आधारभूत मेरे जीवन का? सोचिए। और उत्तर बड़ा स्पष्ट है और सुगम भी है कि हर व्यक्ति के जीवन का आधार वह खुद है। हर व्यक्ति के संसार का केंद्र वह खुद है। इफ आई आस्क यू, हु इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स? फिर से क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे कि आपके जगत का मध्य बिंदु कौन है? बहुत गहरे में जाके जब इस प्रश्न को टटोलेंगे तो दिखेगा आपको कि आपके जीवन का आधार बिंदु, आपके जीवन का सेंटर, आपके यूनिवर्स का सेंटर आप स्वयं होते हैं। आप ही के इर्द गिर्द आपका जीवन निर्मित होता है। आप ही के इर्द गिर्द आपके विचार, आपके डिज़ायर, आपके भय, आपके अटैचमेंट सब आप ही के इर्द गिर्द बुने जाते हैं, इज़न्ट इट? सो हम सब एक सेंटर हैं अपने स्वयं के जगत के। इसीलिए जब हम रात को सोते हैं, व्हेन व्हेन वी स्लीप इन द नाइट, तो जो मेरा जगत है, मेरे विचारों का, मेरे अटैचमेंट्स का, मेरे रिश्तों का, मेरी डिज़ायर्स का, ये जगत फोल्ड हो जाता है। और गहरी नींद की अवस्था में मेरा जगत एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि मैं स्वयं एग्जिस्ट नहीं करता। मेरा, जिसको हम बोलें कि मेरा, मेरी चेतना, माई ईगो सेल्फ डज नॉट एग्जिस्ट इन द डीप स्लीप। सो उस गहरी नींद की अवस्था में मेरा पूरा ये जो जगत मैंने फैलाया चारों तरफ, इट फोल्ड्स इट सेल्फ बैक, इट डिसअपियर्स। सभी रिश्ते, सभी काम की परेशानियाँ, सभी डिज़ायर्स, एवरीथिंग गोज़, एवरीथिंग डिज़ोल्व्स। सो फिर से क्वेश्चन, कौन है आपके जगत का केंद्र बिंदु? प्रश्न ध्यान से सुनना, कौन है आपके जगत का केंद्र बिंदु? जो आंसर मिलेगा, मैं खुद, आई एम द सेंटर ऑफ माई ओन यूनिवर्स। या लेट इट सिंक इन फॉर अ सेकेंड कि आपके स्वयं के जगत का केंद्र बिंदु आप खुद हैं। यू आर द सेंटर। फिर से एक प्रश्न पूछता हूँ, रिलेशनशिप की हम बात कर रहे हैं, रिलेटिंग की हम बात कर रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है आज का विषय, बिकॉज फंडामेंटल पे बात हो रही है। अगर फंडामेंटल बेस नहीं सेट होगा, जिंदगी की यात्रा, जिंदगी का की दशा, की दिशा निर्णय नहीं हो पाएगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आज का विषय। फिर से एक प्रश्न पूछता हूँ, अगर आप अपनी जिंदगी के, अपने जीवन के, अपने संसार के, अपने जगत के केंद्र बिंदु आप स्वयं हैं, सो मेरा दूसरा प्रश्न, व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद योर ओन सेल्फ? आपका स्वयं से क्या रिश्ता है? क्या आप अपने खुद के परम मित्र हैं? आर यू योर बेस्ट फ्रेंड? क्या आप अपने परम एडवाइजर हैं? आर यू योर बेस्ट मेंटर? आर यू योर बेस्ट डॉक्टर? क्या आप स्वयं के बेस्ट चिकित्सक हैं? क्या आप स्वयं के बेस्ट गाइड हैं?
क्वेश्चन अगेन टू ऑल द फ्रेंड्स आज जो सत्संग पे हैं, जो फॉर एन एग्जाम्पल जो सिगरेट पीना पसंद करते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत सिगरेट से कोई रिश्ता अच्छा या बुरा नहीं है, एक एक एग्जाम्पल के तौर पे। सो जो मित्र आर फॉन्ड ऑफ स्मोकिंग, प्रश्न फिर से वही खड़ा है, क्या है आपका रिश्ता स्वयं से? आर यू योर बेस्ट फ्रेंड? आर यू योर बेस्ट एडवाइज़र? आर यू योर बेस्ट डॉक्टर? आर यू योर ओन बेस्ट गाइड? जो जिस तरह की भी कुछ भी बुरी आदतें आपने, हम सब ने पाल रखी हैं, सो आंसर मिलेगा आई एम द सेंटर ऑफ माई यूनिवर्स, येस, बट शायद मैं अपना स्वयं का सबसे बेहतर मित्र, चिकित्सक, गाइड या एडवाइज़र नहीं हूँ, क्योंकि अगर होता तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो जीवन के लिए हानिकारक हैं, आई विल नॉट बी डूइंग दैट। बहरहाल, सो लुक एट अ सिनेरियो, छोटा बच्चा जन्म लेता है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया छोटे बच्चे को, वो अपने हाथ पांव बड़े ध्यान से देखता है। आई हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, इन्फेंट्स, बेबीज, न्यू बॉर्न्स। इफ़ यू ऑब्जर्व द न्यू बॉर्न, यू विल सी दैट न्यू बॉर्न लुक्स एट हिज ओन लिम्स, अपने खुद के हाथ पांव वो बहुत हैरानी से देखता है, एज इफ रिश्ता बनाना चाह रहा है अपने खुद के हाथ पांव से, अपने खुद के लिम्स से। शायद इस बच्चे को अभी पता नहीं कि स्वयं की डेफिनेशन क्या है, कि ये वो खुद ही है जिसको वो पहचानने की कोशिश कर रहा है। उसकी आँखों में एक बहुत खूबसूरत वंडरिंग होती है, यू नो, ही इज़ ट्राइंग टू आइडेंटिफाई, ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड आउट, ही इज़ ट्राइंग टू रिलेट। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है और उसको समझ में आने लगता है, उसके अनुभव से उसको समझ में आने लगता है कि दिस इज़ मी, ये लिम्स, ये हाथ पैर, ये शरीर, ये मैं हूँ, ऐसा बच्चे को समझ में आने लगता है। फिर वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, फिर हम उस पर सोशल और एजुकेशनल, हम उसको एजुकेशनल प्रोसेस में लेके जाते हैं, हम उसको सोशल प्रोसेस में लेके जाते हैं। सीखता है बच्चा इस प्रोसेस में कुछ चीज़ें, बट एक दुर्घटना घट जाती है अनचाहे, और वो दुर्घटना ये घट जाती है कि इस बच्चे को ऐसा लगने लगता है कि ये सारा संसार, उसका फोकस इस बाहर के संसार पे आने लगता है, स्वयं के संसार से समहाउ वो फोकस शिफ्ट होके बाहर के संसार में आने लगता है, या वो सब कुछ बाहर आइडेंटिफाई करने लगता है, वो सब कुछ बाहर ही रिलेट करने लगता है। सो व्हाट हैपेंस, द रिलेटिंग स्टार्ट्स टू मूव आउटसाइड ऑफ यू। अभी तक वो बच्चा था, वो अपने खुद के हाथ पांव शरीर से रिलेट कर रहा था, अपने खुद के विचारों को समझने की कोशिश कर रहा था, बट सडनली इसका रिलेटिंग शिफ्ट होता है, अब ये बाहर के जगत से रिलेट करता है, और अनफॉर्चुनेटली अपने जीवन की सारी ऊर्जा और सारा फोकस सिर्फ बाहर की रिलेटिंग में लगाने लगता है। फिर वो थोड़ा और बड़ा होता है। लेट मी एक्सप्लेन यू क्या द हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क। फिर उस बच्चे का जैसे जैसे विस्तार होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसका इंटरेस्ट सिर्फ इसी चीज़ में होता है, हाउ अदर पीपल आर व्यूइंग मी, ये सब दोस्त, मेरे स्कूल के बच्चे, मेरे क्लास के मित्र, मेरे पड़ोस के लोग, व्हाट डू दे थिंक अबाउट मी, व्हाट इज़ देयर इम्प्रेशन अबाउट मी। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? अभी तक जो सारा उसका फोकस था स्वयं पे, अब वो फोकस अदर, बाहर चला गया। ही स्टार्ट्स टू इन अ वे फॉरगेट हिज ओन सेल्फ। दूसरों के विचार, दूसरों के इम्प्रेशन, दूसरों के जजमेंट इस बच्चे के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने लगते हैं, दूसरे इस बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने लगता है इस बच्चे के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? द फोकस शिफ्ट्स फ्रॉम
सेल्फ टू द अदर। और इस शिफ्ट फोकस में जो दूसरी दुर्घटना घटती है वो ये कि धीरे धीरे सेल्फ नर्चरिंग बंद हो जाती है। एंड आई सेड सेल्फ, स्वयं इज द बेसिक यूनिट ऑफ योर एग्जिस्टेंस, ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर जर्नी। बट धीरे धीरे स्वयं की नर्चरिंग हम बंद कर देते हैं। वी गेट टू इंटरेस्टेड इन अदर पीपल्स व्यू अबाउट अस। या इट्स लाइक अगर जीवन को एक पेड़ की परिभाषा दी जाए, वृक्ष की परिभाषा दी जाए, तो स्वयं मैं खुद उस वृक्ष की जड़ें हूँ। मेरा नर्चरिंग इस वृक्ष की नर्चरिंग को बढ़ाएगा। जड़ों का नर्चर होना इस वृक्ष को और फैलाएगा, पनपाएगा। बट प्रैक्टिकली वी गेट टू बिजी नॉट इन द रूट्स ऑफ द ट्री जो कि स्वयं है, वी गेट टू बिजी इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्री। आई आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट?